जैसा कि अभी सबको जैसे समाचारों में भी आ रहा है और सारे हम देख भी रहे हैं कि जैसे चाइना में एक बहुत ज्यादा जल्दी से अब सर्ज हुआ है, जिसमें ज्यादातर वो BF7 को बोल रहे हैं, लेकिन इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी जो वेरिएंट्स हैं इसके, ओमिक्रॉन वायरस के, कोविड के, तो उसके करके चाइना में बहुत ज्यादा एकदम मिलियंस ऑफ पीपल हैव सफर्ड दिस। लेकिन इसमें इंडियंस को हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमारी वैक्सीनेशन बहुत, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है और हर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमारे सब में डेवलप हो चुकी है। ये नहीं कि इंडिया में अभी केसेस नहीं रिपोर्ट हो रहे, केसेस वायरल इन्फेक्शन के आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होने से वो ज्यादा सीरियसनेस नहीं ले रहे। लेकिन मुझे लोगों से ये अपील है कि जैसे हमने इतने 2-3 साल हमने इतनी मेहनत की है, इंडिया ने खास तौर पर बहुत फाइट की है और बहुत अच्छी तरह से हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं, लेकिन मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे लोग हैं वो पब्लिक प्लेसेस में मास्क जरूर डालें, और इसके अलावा जैसे हमने बोला हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। कोई भी अगर पेशेंट, किसी भी पेशेंट को अगर गला खराब होता है या कोई खांसी होती है या यूआरसी होता है यानी कि कोल्ड होता है या फीवर होता है गले करके, तो उनको सबको ये रिक्वेस्ट है कि वो टेस्ट जरूर कराएं ताकि हम टाइम पे आइसोलेट कर सके और हम दोबारा से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके।